साउंड सेकेंडरी चैप्टर दैट इज वेक्टर। कुछ कुछ इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले भी कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। देन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देखिए स्टूडेंट, वेक्टर क्या है? सबसे पहले अगर आप स्केलर को रिकॉल करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको केवल मैग्नीट्यूड की नीड होगी। देर इज नो नीड फॉर डायरेक्शन। जैसे कि हम किसी चीज़ का मास करें, कोई लेंथ बताएं या टाइम को एक्सप्लेन करें, तो वी ओनली नीड इट स्केलर का मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। बट फॉर वेक्टर वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन। इसका जो सबसे फर्स्ट सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था दैट इज डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए वी हैव टू गिव आवर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑल्सो विद ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। देन वेक्टर कैसे डिफाइन होगा? वेक्टर आर बोथ फिजिकल क्वांटिटीज विच नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल के लिए आप ये सिंपल एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यू हैव टू पुट एरो हेड। आपने उसके ऊपर क्या लगाना है? एरो हेड लगाना है। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वान्टिटी का क्या नाम है, देन दिस इज वेक्टर ए। क्लियर? इसी तरह आप वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप के होते हैं ये टॉपिक पे मैं आपको करा चुकी हूँ, फिर भी एक बार इसको रिकॉल कीजिए। इक्वल वेक्टर्स, ये दो वेक्टर हैं, देखिए सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर बोथ आर इक्वल। क्यों? बिकॉज देखिए इनका जो लेंथ है वो भी सेम है और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या है? सेम है। मीन्स इक्वल वेक्टर क्या होंगे? इफ टू और मोर वेक्टर, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप दो ही वेक्टर लो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इफ टू और मोर वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन देयर आर इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर की जब आप बात करेंगे मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट डायरेक्शन विल अपोजिट। यानी कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। थर्ड इज नल वेक्टर। अगर किसी वेक्टर के लिए जीरो लिखना पड़े तो आप जीरो वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे दैट विल बी अवर नल वेक्टर। अब नल वेक्टर हमें कैसे मिलेगा? एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करके आए, जिस पॉइंट से चली है बॉडी उसी पॉइंट पे आ गई, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर, देन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको इस तरीके से जीरो वेक्टर लिखेंगे। इसके अलावा अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और आप उनको इस तरीके से ऐड कर रहे हैं तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा? जीरो वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ये देखिए ये वेक्टर पैरेलल एक्ट कर रहे हैं बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो कितने ही वेक्टर आप ले सकते हैं विच आर एक्टिंग इन पैरेलल डायरेक्शन एंड देयर इज नो नीड फॉर मैग्नीट्यूड टू बी इक्वल, देन दीज आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल व्यू ऑल्सो। यूनिट वेक्टर जब भी आप लिखेंगे तो उसके ऊपर एक कैप होगा। द वेक्टर वेयरिंग कैप ऑन इट्स हेड इज नोन एज यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, जो भी यहाँ पर कैप पहने हुए हैं वही वेक्टर यहाँ लिखना है और अपोन में आपने उसका मैग्नीट्यूड लिख देना है। मैग्नीट्यूड का सिंपल ये भी हो सकता है, दैट्स व्हाई मैंने ये दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिखी। अब देखिए यूनिट वेक्टर होते कितने हैं? यूनिट वेक्टर तीन होते हैं। बेसिकली हम ये थ्री एक्सिस लेकर चलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पर भी एक्स हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, दिस डजंट मैटर हियर। तो जब एक्स एक्सिस आप लेंगे उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी आई कैप। हमेशा के लिए इस बात को अपने माइंड में स्टोर करके रख लीजिए कि जिधर एक्स एक्सिस होगी उधर ही आई कैप होगा, जिधर वाई एक्सिस होगी उधर ही जे कैप होगा और जिधर जेड एक्सिस होगी उधर ही के कैप होगा। एंड वी नो कि दीज थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी हमेशा के लिए। तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर बनते हैं वो तीन बनते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। हमेशा के लिए के कैप जेड में ही रहेगा, चाहे आप जेड को शिफ्ट करवा देंगे बट के कैप विल रिमेन अलोंग जेड एक्सिस। नाउ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए सपोज वी हैव टेकन टू एक्सिस एक्स एंड वाई, हियर इज अ पॉइंट पी एंड वी हैव टू डिस्क्राइब द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। देन सिंपल, दिस इज अवर ओरिजिन, जॉइन दिस पॉइंट विद ओरिजिन। सपोज दिस डिस्टेंस इज आर एंड बाय पुटिंग आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या है? ओपी का पोजीशन वेक्टर। तो जो ओपी आपके पास डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू आर के, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम योर ओरिजिन। इस तरह से आपने क्या निकाला है? पोजीशन।
साइड ले ली मैंने ट्रायंगल की, सपोज दिस इज वेक्टर पी एंड दिस इज वेक्टर क्यू. फर्स्ट कंडीशन, दिस शुड पास फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट और सेम पॉइंट. ये दोनों वेक्टर एक सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, सपोज दिस पॉइंट इज ए. इन दोनों को आपने सेम ऑर्डर में लेना है, ये दोनों मैंने सेम ऑर्डर में ले लिए, ठीक है. देन द रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. अब जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी दिस थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, बट इट्स ऑर्डर शुड बी अपोजिट. दिस इज आर वेक्टर. देखिए अगर मैं इस ऑर्डर को पकड़ूं, इधर से ऐसे गए ये ऐसे जा रहा है, तो इसको डाउनवर्ड आना चाहिए, बट इसके ऑर्डर को आपने अपोजिट करना है. सो वी हैव टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर. तो वी हैव गेट हियर अ ट्रायंगल एबीसी. हियर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. देन द क्लोजिंग साइड, जो क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की और जो रिजल्टेंट होगा ट्रायंगल का, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइड बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. ये जो दो इंपॉर्टेंट नोट यहां पर डाले गए हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं, टू साइड्स विल बी इन सेम ऑर्डर. जो ये दो साइड्स आपने लिए हैं इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. टू साइड्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अगर आपने यहां पर वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई किया है, इट मींस बोथ ऑफ दीज साइड्स आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स. क्लियर स्टूडेंट. अब देखिए हमने सपोज किया कि हियर वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एंड वी एक्सटेंड दिस. मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है एंड सपोज दिस इज डी. क्या कंस्ट्रक्शन की है आप लोगों ने, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर सीडी. हमने सीडी ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी ए एक्सटेंडेड. जो बी ए आपने एक्सटेंड की है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है. और परपेंडिकुलर की नीड क्या पड़ी, देखो जब भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो एप्लीकेशन होती है वो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली. बिना राइट एंगल ट्रायंगल के हम ये एप्लीकेशंस नहीं यूज कर सकते. तो इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल राइट एंगल नहीं था, सो वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर हियर बी ए एक्सटेंडेड. क्लियर. तो यहाँ पर हमने ये क्या ले लिया, दिस इज अवर राइट एंगल. क्लियर स्टूडेंट. अब यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे. ट्रायंगल लॉ के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर. अगर आपको आर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली वी कैन राइट इट आर. ठीक है, ये जो मेरा रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और इसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे. तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं. अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वी शुड टेक दिस ट्रायंगल सी डी बी. वी कैन से इन अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है सी डी डी. इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वी कैन इजीली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि बी सी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू सी डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर. क्लियर. सी डी स्क्वेयर क्या वैल्यू है सी डी की, हमें नहीं पता, एज इट इज रख दीजिए. बी डी को आप क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए डी. तो इसको हमने लिख दिया बी ए प्लस सी डी होल स्क्वेयर. ओपन दिस होल स्क्वेयर वी विल गेट बी ए स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर प्लस टू बी ए ए डी. क्लियर. नाउ वी विल पुट वैल्यू, सी डी की वैल्यू हमें नहीं पता, बी ए क्या है पी, पी एज इट इज रखेंगे, इसको आप पी का स्क्वेयर रखेंगे. ए डी, ए डी की वैल्यू हमें नहीं पता. अब यहाँ बचा हमारा टू, बी ए को आपने पी लिखा है और ए डी की वैल्यू हमें नहीं पता है. तो अब हमारे पास दो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो हमें निकालनी है, सी डी एंड ए डी. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आप आ जाइए इस ट्रायंगल के अंदर सी डी, सी डी ट्रायंगल और सी ए डी ट्रायंगल के अंदर. तो वी कैन यूज हियर ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन इन ट्रायंगल सी ए डी. देखिए जो वैल्यू आपको पता होती है, हमें पता है यहाँ पर ए सी दैट इज क्यू. और जो वैल्यू आपको नहीं पता होती है सपोज ए डी, तो ए डी को आपने ऊपर रखना है, जो पता है उसको नीचे रखना है. दिस इज द वेरी सिंपल रूल फॉर फाइंड आउट एनी साइन. तो वी पुट हियर सी ए. इस रेशियो को क्या नाम देंगे, सी ए ए डी. एंड वी हैव टेकन हियर ए डी ओवर सी ए. ये तो परपेंडिकुलर है, दिस इज अवर बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस. तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दिस विल बिकम कोस ऑफ थीटा. सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन ए डी विल बी इक्वल टू सी ए कोस थीटा एंड सी ए इज क्यू. सो वी कैन राइट हियर क्यू कोस थीटा. नाउ
करने के बाद आप देखिए स्टूडेंट्स, दिस हैज बिकम क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. इफ वी टेक वन कॉमन क्यू स्क्वायर देन वी विल गेट हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड नेक्स्ट फैक्टर पी स्क्वायर टू पी क्यू कॉस. व्हाट इज दिस वैल्यू? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. देन रिजल्ट विल बी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा एंड दिस इज आवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर. सो वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मींस आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर चल रहा था नहीं, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस ऑफ थीटा. ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया किसका? रिजल्टेंट का. क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डायरेक्शन. देखिए डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टेकन अ एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बेस. सबसे पहली कंडीशन जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि रिजल्टेंट और बेस के बीच का एंगल आपने लेना है. सपोज दिस इज दैट एंगल एंड दैट एंगल इज बीटा. ये एंगल मैंने क्या ले लिया, यहाँ से बीटा ले लिया. क्लियर स्टूडेंट? तो बीटा का जब आप टेंजेंट रेशियो लेंगे मीन्स टेंजेंट ऑफ बीटा, दिस विल टेल यू डायरेक्शन. और ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ग्राफ समझाए थे उनके अंदर आप जाइए, आपने जो भी स्लोप्स वगैरह निकाले थे वो टेंजेंट के हेल्प से निकाले थे. तो हेयर फॉर डायरेक्शन वी विल टेक टेंजेंट बीटा एंड व्हाट इज टेंजेंट? परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर इज सीडी एंड बेस इज बीए प्लस बीडी. क्लियर? सीडी की वैल्यू आपके पास है क्यू साइन थीटा. बीए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? बीए इज बी और AD की वैल्यू हमारे पास क्यू कॉस थीटा. तो ये जो वैल्यू आई दिस इज अवर डायरेक्शन, यानी कि जो आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया है उसका डायरेक्शन आप इस तरीके से निकालते हैं. क्लियर स्टूडेंट? अब इसके लिए कुछ स्पेशल केसेज होते हैं वो भी देख लीजिए. स्पेशल केसेज फर्स्ट, इफ थीटा इज जीरो. सपोज कीजिए कि दोनों जो वेक्टर हैं वो जीरो डिग्री के एंगल पे हैं. अगर थीटा जीरो हो जाए तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या बनेगी? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस जीरो. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस जीरो. कौन से केस में? इफ थीटा इज जीरो डिग्री एंड कॉस जीरो. कॉस जीरो क्या होता है? वन. तो आपके पास वैल्यू क्या बने? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू मीन्स वी कैन राइट पी प्लस क्यू होल स्क्वायर और रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू. और यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे देन रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू. क्लियर? सेकंड केस, सेकंड केस के अंदर इफ थीटा इज 180 डिग्री. एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, कोस 180 डिग्री होता है भाई माइनस 1. क्लियर है? क्योंकि ये अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने मैथ्स में करे नहीं है. कोस 180 की वैल्यू माइनस 1 है, जस्ट कीप इट इन योर माइंड. तो अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस 180. कोस 180 इज माइनस 1 तो हियर वी विल गेट माइनस और वी कैन से पी माइनस क्यू होल स्क्वायर और दिस विल बी इक्वल टू पी माइनस क्यू, जो कि मैंने यहां से आपको सिंगल रिजल्ट बताया था. टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. थर्ड केस, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए मींस दोनों वेक्टर राइट एंगल के ऊपर आ जाए तो रिजल्टेंट आपके पास क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस 90. कोस 90 इज 0 तो दिस फैक्टर विल बिकम 0. रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप तीनों रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. देन डायरेक्शन की जो बात आएगी, डायरेक्शन का आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका है, उन्हीं सेम एंगल्स को आपने यहाँ पुट कर करके क्या निकाल लेनी है, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेनी है. क्योंकि अगर रिजल्टेंट के लिए आप जो एंगल ले रहे हैं वही एंगल अपने डायरेक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट टेकन इन ट्रायंगल. क्लियर है स्टूडेंट? तो इसको ट्रायंगल आपको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यूज करेंगे और सिमिलर पैटर्न के ऊपर आपका पैरेललोग्राम लू चलेगा. जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी तो उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगी कि पैरेललोग्राम कहता क्या है और उसके बाद जब हम उसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और इस तरह से हमें वहां पर डायरेक्शन फाइंड आउट.